और ये हमारा कुआं है, दिस इज़ द वेल। अक्सर लोग इसको देखते हैं तो कहते हैं वेल वेल वेल। बहुत बड़ा है, दिस इज़ 44 फीट, 44 फुट है डायमीटर में ऑन टॉप। और अब इसकी गहराई जो है वो 100 फुट रह गई है। एक ज़माने में ये 200 फुट गहरा होता था। 70s की दिहाई में पानी नीचे जाता रहा, मलीर सूख रहा था और सारी बजरी मलीर नदी की निकाल निकाल के उसकी जो पानी को एब्जॉर्ब करने की जो उसकी एबिलिटी थी वो ख़त्म कर दिया गया था मलीर नदी का। और फिर 80 की दिहाई में बारिशें भी बंद हो गई तो इसका पानी जो है बहुत नीचे चले गया था। पिछले 20 साल में इसका पानी ऊपर आता गया है। उसकी एक दो वजूहात हैं। एक तो यह है कि मलीर क्योंकि सूख गया और मलीर के अंदर खेती बाड़ी जो है वो बहुत मुश्किल हो गई थी, लोगों के कुएं सूख गए थे तो लोगों ने कल्टीवेशन बंद कर दी और पानी निकालना बंद कर दिया। तो कुछ तो पानी उसकी वजह से बढ़ने लगा। फिर आगे चल के मलीर नदी के अंदर क्योंकि सूरज का पानी बहता है अब तो वो पहुंचने लगा। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये थी कि सी वाटर इंट्रूजन जो है समंदर का पानी अंदर की तरफ चढ़ने लग गया और हमारे कुओं का पानी बहुत ज़्यादा नमकीन हो गया। इस वक्त भी ये बहुत नमकीन है। इसका TDS जो है वो तकरीबन 4800 है लास्ट जब हमने इसको टेस्ट करवाया था। और अक्सर पौधे इसमें नहीं उगते हैं, इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें उग जाती हैं। इवन कोकोनट को मसला हो रहा है अब क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन हो गया है। चीकू फिर भी सरवाइव कर जाता है इसमें, बाकी इधर कुछ हैं हमारे। ये इसकी शक्ल ऐसी नहीं होती थी जब हम यहाँ आए तो अब तो यादों में रह गया है। उस वक्त की कोई ख़ास तस्वीरें भी नहीं हैं लेकिन ये कच्चा होता था बिल्कुल और बड़ा ख़तरनाक था। और इससे दूर रहने पर लोगों को कहा जाता था, आप अंदर तो देख ही नहीं सकते थे। और इसके ऊपर एक शेड किस्म का बना हुआ था, ये बिल्कुल इधर तक ये खुदाई हुई हुई थी। और इस कमरे में इसका आज भी जो है ना वो पंप का स्टार्टर वगैरह यहाँ लगा हुआ है, बिजली का कनेक्शन इधर है। और ये सारा खोदा हुआ था उस ज़माने में, 78 में मेरे वालिद ने इसकी दीवार पक्की करवाई थी। और मुझे तो याद है, मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी इस कुएं पर गुजारी है। ये रैंप अब तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, बड़े अरसे से इस्तेमाल ही नहीं किया है हमने। इसको रामिया कहते हैं और इसके ऊपर खड़े होकर यहाँ पे इसमें दो चक्रे लगे होते थे जिससे दो रस्सियाँ नीचे जाती थी और सारा काम होता था। इसमें हमने बहुत खुदाइयाँ सफाइयाँ की हैं। ये अब तो ये इसका जो आपको पंप और मोटर यहाँ पर नज़र आ रही है ये तो हमने इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया है। अब हमने एक सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखें, ये इसका फाउंडेशन यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर ये पिछले 20 सालों में हमने मेरे ख़्याल से 10 मरतबा इसको ऊपर किया है क्योंकि पानी ऊपर तक चढ़ता जा रहा है। अभी भी इन दिनों में पानी ऊपर चढ़ रहा है और इंशाल्लाह ये कुछ दिनों के बाद हम इस पंप मोटर को यहाँ से हटा ही देंगे। इस वक्त जो है ये जो काला वाला पाइप आपको नज़र आ रहा है ये एक सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, पानी के अंदर है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये पुराना वाला सिस्टम अब हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। इसमें आपको कुछ बड़े बड़े गार भी नज़र आते हैं। इन गारों में एक ज़माने में वहाँ पर पंप रखा गया था। और ये मेरे ख़्याल से जो ये स्टोन पिचिंग नज़र आ रही है ये शायद कोई 101 साल पहले हुई होगी। और एक नीचे भी है वहाँ पे जहाँ पे गार्डर रेस्ट करता है वो भी स्टोन पिचिंग है और एक नीचे भी स्टोन पिचिंग थी। अच्छा, अब जैसे जैसे पानी भरता जा रहा है, पानी का लेवल ऊपर आता जा रहा है, नीचे की मिट्टी जो है वो कोलैप्स कर जाती है और तो पानी की डेप्थ तकरीबन 25-30 फुट ही रहती है। ये एक वक्त पे
200 से ज़्यादा गहराई थी इसकी। जो हम रस्सी लाते थे इसके लिए तो 225 फुट की रस्सी आया करती थी। और ये हमारे फार्म्स की ज़िंदगी है, ये हमारे फार्म्स की ज़िंदगी है, इसी से हमारा सारा दारोमदार चलता है और इन्हीं से मलीर इतना आबाद हुआ और आज आप देखेंगे तो घर बन गए हैं, खेती बाड़ी बंद हो गई है, बहुत थोड़े से फार्म्स हैं जो अब तक रहते हैं। ये है हमारा कुआं।